देखिए नॉमिनेशंस तो मिले हैं और नॉमिनेशन मिलते रहते हैं, अवार्ड भी बहुत मिले हैं, लेकिन मैं इस पूरे समारोह को होस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। अवार्ड तो सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक हमें प्यार से अवार्ड दे देते हैं और मुझे इस संस्थान से भोजपुरी फिल्म अवार्ड के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बस खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में एक जो गंगा बही है बहती चली जा रही है और इस गंगा से कई धाराएं भी निकली हैं, कई जगह और भी अवार्ड्स हुए हैं, लेकिन गंगा तो गंगा ही है। ये जो नाम दिया आपको इंडस्ट्री ने, उस नाम को कैसे मतलब लोग मेंटेन कर पाते, कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, और मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उस नाम को मतलब बना के रखना? जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, हर फिल्म दर फिल्म, हर दिन हर कदम के साथ एक जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और वो मुझे और मजबूत करती है। अगर सामने कोई चैलेंज नहीं हो तो मजबूती धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। मुझे लगता है हर इंसान पर जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए, तभी मजबूती आती है। बस यही है कि इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों को कि जितना भरोसा हम पे रखा है, उस भरोसे पे हमेशा कोशिश करूँगा खड़ा उतरने का। जिस दिन खड़ा ना उतरूँ उस दिन आप मुझे पटक दीजिएगा ज़रूर, लेकिन जब तक उतरूँ तब तक प्यार और स्नेह ज़रूर दें हमें आप। मैं मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने तो एक पारी खेली है, और ये नहीं है कि पारी खेली है मेरा अंत हो गया है। मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया है विलेन से कॉमेडी या सीरियस रोल या कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, तो मैं मेरे पीछे जो पीढ़ी आ रही है उसको एक लेवल पे आ जाए, तो इंडस्ट्री जब तक हमारी एक पीढ़ी जा रही है दूसरी पीढ़ी आ रही है, जब तक उस पीढ़ी का स्वागत बिल्कुल अपने कंधे पे लेके नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, और जब तक इंडस्ट्री नहीं पनपेगी तब तक हमारा पनपने का सवाल ही नहीं होता है।